हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल बजाज और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में। व्हाट इज ई कॉमर्स? दोस्तों, ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर ये कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करने के अंदर हेल्प करता है। ई कॉमर्स इज पावर्ड बाय द इंटरनेट, जिसके अंदर कंज्यूमर्स ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाकर प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ई कॉमर्स मॉडल्स की 5 टाइप्स के बारे में। नंबर 1, B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। इस ई कॉमर्स मॉडल के अंदर बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर एडिडास की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने लिए एडिडास का एक शूज परचेज करता है, तो ये B2C ई कॉमर्स मॉडल के अंदर आता है। नंबर 3, D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये एक न्यू बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर बिजनेसेस डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को सेल करते हैं और इस मॉडल के अंदर किसी भी तरीके का मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कि होलसेलर या फिर रिटेलर। आजकल के टाइम में इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगा, जहां पे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। नंबर 4, C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये एक ऐसा ई कॉमर्स मॉडल है जिसके अंदर एक कंज्यूमर अपना कोई प्रोडक्ट दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है OLX, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, जहां पे दूसरा कोई इंडिविजुअल आके उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। नंबर 5, C2B, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। इस ई कॉमर्स मॉडल के अंदर कंज्यूमर डायरेक्टली सेल करता है बिजनेस को, और इसका एक अगर मैं इजी एग्जांपल बताऊं तो वो है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल कंटेंट राइट करता है किसी ब्रांड के लिए, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस की कैटेगरी के अंदर। एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स। फ्रेंड्स, अगर आप अपने करियर को ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं तो इससे पहले आप ये कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1, रिटेल। रिटेल ई कॉमर्स के अंदर एक प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल किया जाता है। नंबर 2, होलसेल। जब कोई रिटेल कंपनी प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीदती है मैन्युफैक्चरर या फिर किसी होलसेलर से, तो उसको कहते हैं होलसेल। नंबर 3, ड्रॉप शिपिंग। इस बिजनेस मॉडल के अंदर प्रोडक्ट तो किसी एक कंपनी ने बनाया होता है, पर उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कोई दूसरी कंपनी को आउटसोर्स किया जाता है। नंबर 4, क्राउड फंडिंग। इस ई कॉमर्स मॉडल के अंदर कंज्यूमर्स पहले से ही प्रोडक्ट के लिए एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, जिससे कंपनी को कैपिटल मिल जाता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नंबर 5, सब्सक्रिप्शन। जब कोई कंज्यूमर वीकली, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे पेमेंट करता है और ये रिकरिंग पेमेंट होती है, तो उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। नंबर 1, लो फाइनेंशियल कॉस्ट। ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है। फिजिकल रिटेल शॉप्स को अपने बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, पर ये केस बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर अगर बना लेते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और वेबसाइट को बनाने की कॉस्ट चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा कम होती है इफ़ आई कंपेयर दैट टू दी रिटेल शॉप। नंबर 2, सेल योर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली। दोस्तों, जब आप कोई रिटेल शॉप खोलते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे आप अपने एरिया के आसपास के कस्टमर्स को ही टारगेट कर पाते हैं, पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपकी सेल्स बढ़ेंगी और आपके बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नंबर 3, प्रोसेसेस हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट खोलते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे आपके बढ़ जाते हैं इफ़ आई कंपेयर दैट टू द रिटेल शॉप। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। दोस्तों, अगर ई कॉमर्स के एडवांटेजेस भी हैं तो सिमिलरली उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और हम उनके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 1, सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ दी वेबसाइट। दोस्तों, ई कॉमर्स के अंदर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंटरनेट के अंदर सिक्योरिटी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर कंज्यूमर्स की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो सकती है। नंबर 2, साइट क्रैश। दोस्तों, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और टेक्नोलॉजी कभी कभार धोखा दे जाती है, तो उस वजह से अगर आपकी वेबसाइट अगर क्रैश हो जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नए ऑर्डर्स नहीं मिल पाएंगे, या फिर आपको जो ऑलरेडी ऑर्डर्स मिले हुए हैं आप उनको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे जब तक आपकी वेबसाइट कंप्लीटली सही नहीं हो जाती। नंबर 3,
लेंथी शिपिंग टाइम्स। वैसे तो आजकल बिजनेसेस अपने डिलीवरी टाइम्स को काफी ज्यादा कम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिंत्रा से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो वो आपके पास 1 से 2 दिन के अंदर पहुंच जाता है। बट स्टिल अगर हम इसको कोई रिटेल शॉप से कंपेयर करते हैं तो रिटेल शॉप के अंदर आप डायरेक्टली जाएंगे और अपने लिए प्रोडक्ट खरीद लेंगे और ये कुछ ही देर का काम होता है। जबकि आजकल के टाइम में भी आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। टॉप 5 जॉब्स इन ई कॉमर्स। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 जॉब्स के बारे में जो आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर जाना है। नंबर 1, वेबसाइट डिज़ाइनर। दोस्तों, जैसे रिटेल शॉप को खोलने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है और एक प्रॉपर्टी डीलर की ज़रूरत होती है, तो सिमिलरली वेबसाइट को बनाने के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है जो आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करे और उसको अट्रैक्टिव बनाए ताकि नए कस्टमर्स आपके प्लेटफॉर्म पर आकर आपके प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। तो अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाते हैं तो आजकल के टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, और अगर आप फ्रीलांस बेसिस पे भी काम करते हैं तो भी आप 1 मंथ के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। नंबर 2, SEO स्पेशलिस्ट। तो गाइस, जैसे कि जब भी कोई न्यू रिटेल शॉप खुलती है तो वहाँ पे रिटेल शॉप का ऑनर अपने शॉप के कई सारे बैनर्स लगवाता है अलग अलग लोकेलिटीज के अंदर ताकि वो अपनी मार्केटिंग कर पाए। तो सिमिलरली SEO स्पेशलिस्ट का काम होता है कि जब भी कोई इंसान गूगल पे किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम सबसे ऊपर आ पाए। तो इसको करने के लिए जो इंसान की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं SEO स्पेशलिस्ट, और इसके अंदर भी आप फ्रीलांस बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 3, बिजनेस एनालिस्ट। दोस्तों, बिजनेस एनालिस्ट का काम ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स को डेवलप करना होता है जिससे वो कंपनी ग्रो कर सके। बिजनेस एनालिस्ट के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर रिपोर्ट्स बनाना होता है, ग्रोथ को ट्रैक करना होता है, स्ट्रैटेजीज को बनाना होता है, साथ ही साथ उसे इनसाइट रिपोर्ट्स बनानी होती है, फाइनेंशियल मॉडल्स के एग्जांपल्स को भी क्रिएट करना होता है। तो बेसिकली आजकल के टाइम पे बिजनेस एनालिस्ट की भी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि विप्रो, सैमसंग, TCS, तो इन सारी बड़ी कंपनीज के अंदर भी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज निकलती हैं बिजनेस एनालिस्ट की। और इससे पहले भी जो मैंने आपको जितनी भी जॉब पोजिशन बताई हैं तो उनके अंदर भी आप इन हाउस किसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं और उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। नंबर 4, ई कॉमर्स प्रोडक्ट मैनेजर। एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करता है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि सेल्स बढ़ सके और कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ सके। एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट मैनेजर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर प्रोजेक्ट की ग्रोथ को ट्रैक करना होता है, अपनी टीम को लीड करना होता है, ब्रांड की विजिबिलिटी के बारे में ध्यान रखना भी उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट होता है। तो एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा है जहाँ पर डे कई सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। नंबर 5, सोशल मीडिया मैनेजर। तो गाइज, ये एक ऐसी जॉब पोजीशन है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अगर हम इसको बाकी जॉब पोजीशन से कंपेयर करें। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि सारे छोटे या फिर बड़े बिजनेसेस के सोशल मीडिया के ऊपर उनके हैंडल्स होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, और सोशल मीडिया मैनेजर के अंदर कई सारे लोग उनके नीचे काम करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं कि उनको SEO फ्रेंडली कंटेंट रेडी करना होता है जिससे कि सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़े और साथ ही साथ उनकी सेल्स भी बढ़ पाए। अगर आप जाके देखते हैं जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर ही एंश्योर करता है कि जितना भी कंटेंट ब्रांड के हैंडल्स के ऊपर जा रहा है वो एकदम टॉप क्वालिटी का हो, साथ ही साथ उससे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़े और साथ ही साथ उस ब्रांड की सेल्स भी बढ़े। सोशल मीडिया मैनेजर के अंडर कई सारे लोग काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीडियो स्पेशलिस्ट, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एक्सेट्रा। तो गाइज, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पसंद है तो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर ज़रूर से बन सकते हैं कुछ बेसिक स्किल्स को एक्वायर करने के बाद, और सोशल मीडिया मैनेजर बनने के बाद भी आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि हमारी तरफ से आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड सुरक्षित रहें।